द हीट ऑफ The heat of formation of the compound the heat of formation of the compound in the following reaction H2 gas plus Cl2 gas gives 2HCl gas plus 44 kilocalorie. चार ऑप्शन दिया है माइनस 44 kilocalorie. ऑप्शन बी है माइनस 22 kilocalorie. ऑप्शन सी है प्लस 11 kilocalorie. ऑप्शन डी है माइनस 88 kilocalorie. क्या हो जाएगा आंसर? माइनस 44 किलो कैलोरी. माइनस ट्वेंटी टू. और कोई बताएंगे? और कुछ? माइनस फोर्टी फोर ही होगा ना. चलो देखते हैं. यहाँ पे देखो, आपसे पूछा गया हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है. हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोडक्ट का कितना मोल बनना चाहिए उसके लिए? हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन है? वन मोल. यहाँ पे HCl का कितना मोल बन रहा है? टू मोल. और इस टू मोल्स के बनने में कितना एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज हो रहा है, ये पहले मुझे बताओ. एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज हो रहा है? रिलीज हो रहा है. तो दो मोल के लिए 44 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुआ. हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब वन मोल के लिए बताना होगा. वन मोल के लिए कितना ये एनर्जी रिलीज होगा? 22 होगा. ये चीज समझ में आ रहा है? हाँ भाई, देखिए क्या बता रही थी, समझ में आया? टू मोल HCl के लिए जो एनर्जी लग रहा है, जो इवॉल्व हो रहा है, वो 44 किलो कैलोरी है. तो यदि हम वन मोल HCl के लिए बात करें, तो वन मोल HCl में कितना एनर्जी रिलीज होगा? 22 किलो कैलोरी. और एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए हम इसके लिए माइनस साइन लगा देंगे. दैट इज माइनस में 22 किलो कैलोरी. अच्छा, ऑप्शन एक ही था माइनस वाला. फिर एक प्लस में भी देता तो थोड़ा सा गलती होने का और चांस रहता है. बोले, समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन CO2 गैस plus H2 gas gives CO gas plus H2 gas. चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा. आ गया आंसर आप लोग का 41.2. युक्ति 41.2. यस सर. अच्छा, यही आ रहा है. अच्छा, यस सर. चलिए अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है. चलिए, शायद आंसर सही है. 41.2 प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है. चलिए देखते हैं सही है कि गलत. तो आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन लिखना है. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होता है? डेल्टा एच आर. अब बताओ, इस रिएक्शन के लिए जब हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि हमें CO2 का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है, CO का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है, H2O का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है, और हमें एंथैल्पी चेंज लिखना है. एंथैल्पी चेंज का मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को होने में कितना हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुआ होगा वो हमें बताना है. तो हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में क्या लिखा जा सकता है, जल्दी से बता दो.
हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस वेरी गुड हीट ऑफ H2 वेरी गुड और आगे माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन हाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 इतना सभी को समझ में आ गया हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिखते हैं रिएक्शन को एक बार बैलेंस चेक कर लेना बैलेंस है या नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा बैलेंस है या नहीं है ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है ना यस सर यस तो चलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO का वैल्यू बताओ कितना है माइनस 110.5 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना दिया है माइनस 241.8 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना दिया है अब देखो एक माइनस ये फॉर्मूला में पहले से लगा है ठीक है और यहाँ पे हम माइनस अलग से लगा रहे थे ये माइनस ऑफ माइनस 393.5 बोलो समझ में आ रहा है ये चीज समझ में आ रहा है ये चीज हाँ तो अब यहाँ पे बताना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 के जगह पे क्या लिखें जीरो हाँ जीरो लिख देते हैं क्यों समझ में आ रहा है ना क्योंकि H2 एलिमेंट है एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो तो इस तरह से ये माइनस 110.5 माइनस 241.8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 393.5 अब इसे सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा तो चलो यार सॉल्व करके देख लेते हैं 393.5 माइनस 241.8 माइनस 110.5 ये प्लस में 41.2 आ गया गुड कितना लोगों का आ गया था आंसर एंड्रेस कर दो यार प्रॉब्लम भी देखे कितने लोगों को समझ में आ रहा है एंड्रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या एंड्रेस कर दो यार थोड़ा समझ के तो मुझे भी तुम लोग को आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसका एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज 42 किलो जूल ये भी दिया है आपको बताना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO3 इज चलिए ये क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 बताना है चलिए जल्दी से खुद से ट्राई करो बताओ तो जितना पढ़ाया था पूरे डाल दिया तुमने चलो अब मैं बता देता हूं ठीक है ना इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 फिर माइनस माइनस हाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 अब यहां से अब हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना दिया है -152 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है -94 और माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 कितना दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 हाँ वही आपको फाइंड आउट करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 देखो जब भी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दिया हो ना लिखा हो ऐसा इसका मतलब आप समझ जाना ये डेल्टा एच आर है एक्चुअली में ठीक है ना तो अब डेल्टा एच आर कितना दिया 42 किलो यानी ये भी 42 दिया हुआ है अच्छा ये प्लस में दिया ना एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन हाँ प्लस में है तो 42 इक्वल टू -52 -94 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इस तरह से ये कितना आ जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिस इक्वल टू 154 सॉरी सॉरी
कितना हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे ना लेफ्ट में, इसका साइन चेंज कर देंगे, बाकी माइनस 152 इधर ही रहने दो, माइनस 94 भी इधर ही रहने दो, माइनस 246 ये कितना आ जा रहा, माइनस 48 आएगा ना, 288 88 आ रहा है, 288 हाँ, दो दो चार दो, चार दो छह दो आठ, ठीक है, नौ चार तेरह पांच सत्रह, तेरह पांच अठारह एक, सही है, माइनस 288 किलो टू, गुड, आ गया था ना आप लोग कभी, यस, क्वेश्चन था NH3 plus 3Cl2 gives NCl3 plus 3HCl. इसका चलिए मैं बता दूं अब, चलो यार देखो अब मैं बताता हूं, आपके पास ये तीन रिएक्शन है, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 ये करना है, तो सबसे पहले हम यदि फर्स्ट रिएक्शन की हम बात करें, ठीक है ना, NH3 plus 3Cl2 gives NCl3 plus HCl, इस रिएक्शन के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन दिया है ये X1 दिया है, NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स NCl3 प्लस 3HCl, इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है X1, चलो ये X1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस रिएक्शन के लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में बताते चलो जल्दी जल्दी क्या लिखेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl plus heat of 3, heat of formation of HCl minus heat of formation of NH3. ये लिखेंगे, चलिए मीटिंग एंड होगा आप लोग ज्वाइन कर लेना सेम लिंक, तो यहां से देखो X1 equal to heat of formation of NCl3 फिलहाल के लिए नहीं पता है कोई बात नहीं, heat of formation of Cl2 0, अब हमें बस ये तीन चीज की अपने को जरूरत है, इसके इसकी और इसकी, अब ये तीनों चीज, heat of formation of NCl3 कहां से आएगा, HCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन कहां से आएगा और NH3 का हीट ऑफ फॉर्मेशन कहां से आएगा, बस इसी के बारे में अपने को सोचना है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका निकालना था अपने को, हीट ऑफ फॉर्मेशन NCl3 का, तो हमें NCl3 का हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए हमें HCl का NH3 का हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, Cl2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जीरो, बस NH3 और HCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन पता चल जाएगा, ये X1 है ये, तो NCl3 का हीट ऑफ फॉर्मेशन अपने आप निकल आएगा, तो बस हमें इस दोनों का जरूरत है, HCl और NH3 कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे पहला वाला इक्वेशन, ये जो हीट ऑफ रिएक्शन दिया है, दो तरीके आपके पास है, एक तो डायरेक्टली यदि आप देख पा रहे हो इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे बता सकते हो, तो बता दो डायरेक्टली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्या हो जाएगा, क्या X2 के बराबर होगा, नहीं समझ आ रहा तो बता देना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl क्या लिख देंगे, X3 by 2 लिख देंगे, समझ में आया, तो इस तरह से आपका NH3 और HCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन पता चल गया। दूसरा तरीका है, मान लो ये डायरेक्ट नहीं समझ में आया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 X2 by 2 कैसे हो गया, HCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन X3 by 2 कैसे हो गया, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो सीधा सीधा इस रिएक्शन का, जैसे H2Cl2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपको हीट ऑफ रिएक्शन दिया है ना X3, तो देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ जैसे है H2Cl2 का जो रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 आएगा जो कि 0 हो जाएगा, फिर माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 आएगा जो कि 0 हो जाएगा, तो यहां से तुम डायरेक्टली देख सकते हो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कितना आ गया,
हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कितना आ गया, यहां से डायरेक्टली बता सकते हो, हीट ऑफ रिएक्शन अपॉन 2, और हीट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है इस H2 + Cl2 रिएक्शन के लिए X3, यहां से हम डायरेक्टली लिख दे X3 / 2। तो ये भी एक तरीका हो गया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl को आप ऐसे भी निकाल सकते हो यदि आपके पास हीट ऑफ रिएक्शन दिया है तो। ठीक है, तो हम इसी चीज को NH3 के लिए भी देख लो, X2 / 2 हो जाएगा। आपको यदि ऐसे नहीं समझ आया तो ये हीट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख कर निकाल लो, तो भी आ जाएगा 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 जो कि 0 हो जाएगा, फिर माइनस 3 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 वो भी 0 हो जाएगा। तो यहां से अगेन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 आपको क्या निकल कर आ जाएगा, H2 / 2 निकल कर आ जाएगा। ये भी एक तरीका हो गया, समझ में आया ये चीज। आगे बढ़े तो X1 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 अपने को निकालना है प्लस 3 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। HCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या था, X3 / 2 प्लस माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। NH3 का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, X2 / 2, और ये तो भाई Cl2 का 0 हो गया। तो यहां से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका अपने को साइड चेंज नहीं करना है, बाकी का साइड चेंज नहीं। X1 माइनस 3x3 / 2 और प्लस X2 / 2 x / 2 सही है। देखो लो कौन सा ऑप्शन आ रहा था, ऑप्शन X3 / 2 यही आ रहा है माइनस, हां सही ऑप्शन। चलिए समझ में आया ये चीजें, कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, हीट ऑफ कंबशन।